नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, आज बात करें तो भोजपुरी का फिल्म अवार्ड सेरेमनी आज होने जा रहा है, यानी कि भोजपुरी फिल्म अवार्ड जो कि ग्रीन सिनेमा अवार्ड जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, और इसके जो ऑर्गेनाइजर हैं वो विजय पांडे हैं। विजय पांडे के आयोजन में ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स को आयोजित किया जा रहा है, जो कि आज ही के दिन यानी कि 4 फरवरी को GCC होटल क्लब मुंबई में है। तो इस शो में यानी कि इस अवार्ड शो में भोजपुरी के कई सारे दिग्गज कलाकार जा रहे हैं, और जिनकी तस्वीरें जो है आप देख पा रहे होंगे कि हमारे स्क्रीन बोर्ड पे कि ये कलाकार जो है उसकी फोटोज लगी हुई है, तो ऑब्वियसली वो कलाकार जा रहे होंगे तभी जो है उनकी तस्वीरें लग रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस अवार्ड शो में भोजपुरी के अलग अलग कैटेगरी को बहुत बड़ा बड़ा अवार्ड मिलने वाला है। जैसे कि अगर बेस्ट सिंगर की बात कर लें, बेस्ट फीमेल सिंगर की बात कर लें, बेस्ट एक्टर की बात कर लें, बेस्ट एक्ट्रेस की बात कर लें, टॉप म्यूजिक वीडियोज की बात कर लें, कॉमेडियंस की बात कर लें, बेस्ट एक्शन स्टीरल, बेस्ट एक्ट्रेस, लाइक विभिन्न प्रकार के जो अवार्ड्स होते हैं ना, उस अवार्ड्स को इस अवार्ड सेरेमनी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिसको लेकर कयासों का दौर जारी है कि भैया किसको कौन सा अवार्ड मिलेगा। और लोग ये बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये बेहद देखना दिलचस्प होगा कि इस बार किसको कौन सा अवार्ड मिलता है, और खास करके सबकी जो निगाहें होंगी वो भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव पर है। खेसारी लाल यादव पर इसलिए है क्योंकि उनकी फिल्म जो है लॉकडाउन के बाद पहले फिल्म सिनेमाघरों में लगी है, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से कमाई भी की है। तो वहीं उनके गाने सोशल मीडिया पर इतने ज्यादा बवाल मचाए हैं कि पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में एकदम खेसारी लाल होते नजर आ रहा है। तो वहीं बात करें तो पूरे देश में टॉप 4 में यानी कि नंबर 4 पोजीशंस पर अपना नाम ऑक्युपाइड किए हुए हैं। मीका सिंह से लेकर अरिजीत सिंह से लेकर सोनू निगम से लेकर लता मंगेशकर से लेकर तमाम ऐसे बड़े दिग्गज कलाकार हैं जिनको पछाड़ते हुए खेसारी लाल यादव पूरे देश में 4th नंबर पर ट्रेंड कर रहे हैं। तो इस समय में जब इस अवार्ड को आयोजित किया जा रहा है तो सबकी नजरें ये बने रहेगी कि क्या खेसारी लाल यादव को बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिलेगा, बेस्ट एल्बम का अवार्ड मिलेगा, या फिर बेस्ट एक्टर का अवार्ड इनको दिया जाएगा, क्योंकि हर क्षेत्र में खेसारी लाल यादव एकदम ताबड़तोड़ तरीके से नजर आ रहे हैं। तो इस उम्मीद के साथ लोग उनके फैंस कयास लगाए बैठे हैं कि खेसारी लाल यादव को बेस्ट एक्टर, बेस्ट सिंगर, बेस्ट एल्बम गाने का भी अवार्ड उनको दिया जा सकता है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि जब अवार्ड मिलेगा तो उनको किस चीज के लिए मिलता है। वहीं बात करें तो राकेश मिश्रा एक दिन फेसबुक पर लाइव आए थे, और लाइव के दौरान उन्होंने बताया था कि हम जो है उस अवार्ड शो में जा रहे हैं, और ऑब्वियसली उनका गाना 200 मिलियन क्रॉस किया है, ये राजा तनी जाइना बहरिया, तो कहीं ना कहीं वो अवार्ड शो में भी जा रहे हैं। तो कयास ये भी लगाया जा रहा है कि उनके गाने के लिए बेस्ट म्यूजिक वीडियोज का अवार्ड मिल सकता है, और राकेश मिश्रा को ये पहला अवार्ड मिलेगा जिसमें कि वो बेस्ट म्यूजिक वीडियोज में काम किए हुए हैं। खैर, देखना दिलचस्प होगा जब फाइनल लिस्ट आता है तो किसको कौन सा अवार्ड मिलता है, लेकिन उम्मीद तो यही लगाई जा रही है कि खेसारी लाल यादव को 2-3 अवार्ड, तो वहीं राकेश मिश्रा को बेस्ट म्यूजिक वीडियोज का अवार्ड मिल सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़िए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।